जी बिल्कुल तो करेक्ट पिकिंग अप ऑफ द पेशेंट कि किस स्टेज में इनको दें और ये दें। सेकेंड चीज ये है कि इसमें जब भी हम पेशेंट चूज करते हैं, पेशेंट की चॉइस करेक्ट होनी चाहिए, और जी सेकेंड हम किससे प्लाज्मा ले सकते हैं। तो प्लाज्मा उन पेशेंट से ले सकते हैं जी जो कोरोना से ग्रसित हुए थे पहले और अब फुल्ली रिकवर कर गए हैं। जी उनको कम से कम 4 हफ्ते हो जाने चाहिए रिकवरी के बाद, तो मिनिमम 28 डेज आफ्टर रिकवरी। और ये ऐसे पेशेंट्स में लेते हैं जो कि सिम्टोमेटिक हुए हों। जी ऐसा क्यों? क्योंकि जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, ऐसा पाया गया है जी कि उनमें एंटीबॉडी लेवल्स ज्यादा होती हैं, उनके प्लाज्मा में जी बिल्कुल लेवल्स हायर होते हैं, इसलिए उसमें जब हम प्लाज्मा लेंगे तो उसमें एंटीबॉडीज के लेवल ज्यादा होंगे, इसलिए वो बेनिफिट उनका ज्यादा होगा। नहीं, डोनर के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। जी एट ए टाइम 200 ml लेते हैं, जी 250 ml तक उसका ले सकते हैं। मरीज को 200 ml देते हैं एट ए टाइम, जी और दो डोजेज इसकी देते हैं, 200 ml ईच टाइम ऑल्टरनेट डे में दे सकते हैं। जी जैसे ब्लड के लिए भी, ब्लड जब हम लोग लेते हैं किसी भी मरीज से, उसमें 350 ml लेते हैं, जी और इसमें हम सिर्फ प्लाज्मा लेते हैं। जी